आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सब एंटी करप्शन न्यूज चैनल से स्वागत है आपका। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं और जहां पे हम देख रहे हैं श्री विनोद गुप्ता जी, जो कि क्षेत्रीय सह संयोजक बनाए गए हैं व्यापार प्रकोष्ठ के, और एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन्हें दी गई है। सीधे हम लोग इन्हीं से वार्ता करते हुए, सर स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। धन्यवाद सर। हमने देखा किस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश स्वर्गकार समाज ने और साथ ही उत्तर प्रदेश ज्वेलर्स एसोसिएशन ने आपका स्वागत किया है और भविष्य की निश्चित रूप से आपको शुभकामनाएं दी गई हैं। आखिर किस प्रकार से आपने रणनीति बनाई है कि आने वाले समय में व्यापारियों के हित में कार्य किया जाएगा? देखिए, मैं बराबर निरंतर व्यापारियों के हित में काम करता चला आ रहा हूँ और तभी मुझे पार्टी ने इस योग्य समझा और मुझे दायित्व दिया 17 जिलों का, और मैं ईश्वर से और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी ताकत दे ताकि आप सब व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उनको समाधान मैं करा सकूं और मैं उस पर खरा उतरूं। यही मैं ऊपर वालों से कामना करता हूं, आप सबके लिए दुआ भी करता हूं कि ईश्वर आप सबका व्यापार व्यवसाय समृद्धशाली हो, ताकि हम से जैसे भाई जहां पर ज़रूरत आपको पड़े मैं आपके पूरे व्यापार में पूरे सहयोग करता रहूँगा। यही मेरी शुभकामनाएँ आपके लिए। सर, हमने देखा किस प्रकार से दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते भारतीय जनता पार्टी में जहां एक और हमने देखा नारा था कि मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है, और आने वाले समय में धरातल पर जिस प्रकार से कनेक्टिविटी, तो निश्चित रूप से व्यापार, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आने समय में जो व्यवहारिक रूप से उसमें कठिनाइयाँ आ रही हैं, इसको लेके आप आखिर किस प्रकार से शासन की तरफ से सहयोग हमारे आमजन और खासकर व्यापार वर्ग को देंगे? देखिए, हम अगर जो है व्यापारियों को ताकत को बढ़ाने के लिए ही कानपुर से विनोद गुप्ता जैसा छोटा व्यापारियों को आज इस ताकत दिया है, और यह हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी समस्त व्यापारियों के सम्मान के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेगी। उसी सिपाही के रूप में मुझको भेजा है ताकि हम आपकी कठिनाइयों को वहां तक पहुंचाएंगे। अभी आपने देखा, मैंने माननीय केशव मौर्य जी से मिलकर के मैंने व्यापारियों की समस्याओं को रखा है कि जो छापे सर्वे चल रहे हैं, व्यापारियाँ कोरोना काल से वैसे ही परेशान हैं, लगातार अभी कोरोना काल समाप्त नहीं हुआ, उसके बाद भी इस तरह से जो हमारे यहाँ छापे और सर्वे चल रहे हैं ये कतई किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। व्यापारियों की समस्याओं के लिए हम लगातार लड़ते आए हुए हैं और आज ईश्वर ने मुझे वो ताकत दे दिया है कि आपकी समस्याओं को मैं वहां तक पहुंचाऊंगा और निश्चित तौर पर आपकी समस्या का समाधान होगा। निश्चित रूप से हम देख रहे हैं किस प्रकार से हम अपने चैनल से दर्शकों के बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश स्वर्गकार समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री मुकुल वर्मा जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश ज्वेलर्स एसोसिएशन का भार भी बहुत ही बेखूबी से निभा रहे हैं। हम सीधे इनसे जानकारी लेते हुए, सर स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। जी नमस्कार। सर, हम जानना चाहेंगे किस प्रकार से आने वाले समय में जितनी भी स्वर्गकार समाज के अंतर्गत ज्वेलर्स को आने वाली और कारीगरों को आने वाली दिक्कतें थी, उसको लेकर आपने इसमें शासन प्रशासन को कहां कहां ज्ञापन देने की रणनीति ये तैयारी है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी मीडिया चैनल्स को, और इसके साथ साथ आज जो हम लोगों ने विषय रखा है उसमें हमारे माननीय विनोद गुप्ता जी, जो हमारे दिल की धड़कन है, हमारे दिल की शान है, आज कानपुर से क्षेत्रीय सह संयोजक इनको घोषित किया गया है भारतीय जनता पार्टी से। इसके लिए सबसे पहले पूरे उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज और ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से मैं और मेरी पूरी टीम इनको बधाई देती है, और हम सभी लोग विनोद गुप्ता के माध्यम से जी के माध्यम से हम सभी लोग एक निश्चित ही व्यापारियों की सारी बात ऊपर तक रखने में सक्षम रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के। धन्यवाद। निश्चित रूप से हम अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को, खासकर अपने दर्शकों को अवगत कराना चाहते हैं कि आने वाले समय में ना केवल हम लोग विनोद गुप्ता जी की तरफ से बल्कि मुकुल वर्मा जी की तरफ से क्षेत्रीय स्तर पर जहां जहां भी हमने देखा कि हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं वहां के ऊपर ये धरातल पर उतरेंगे, लोगों से मिलेंगे और एक बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जो भी समस्याएं होगी उसको शासन प्रशासन के साथ मिल करके सामंजस्य स्थापित करके दूर किया जाएगा। बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए बने ऐसे आयु से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।